बिहार में एक के बाद एक लगातार पुल गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। बिहार में आए दिन किसी न किसी जिले से पुल गिरने की खबर सामने आ रही है। पुल गिरने की खबर से बिहार एक बार फिर से चर्चा में है, लेकिन अब गिरते पुल पर तेजस्वी यादव ने मजे लिए हैं। लगातार बिहार में गिर रहे पुलों पर तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए बधाई दी है और बधाई देते हुए लिखा है कि बधाई हो बिहार में डबल इंजन सरकार की डबल ताकत से महज 9 दिन में केवल और केवल मात्र 5 पुल ही गिरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रहनुमाई और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में 6 दलों वाली डबल इंजनधारी एनडीए सरकार ने बिहारवासियों को 9 दिन में 5 पुल गिरने पर मंगल राज की कल्याणमय उज्जवल शुभकामनाएं प्रेषित की है। पुलों के गिरने से जनता के स्वाहा हो रहे हजारों करोड़ को स्वघोषित ईमानदार लोग भ्रष्टाचार न कहकर शिष्टाचार कह रहे हैं। इस पोस्ट के साथ तेजस्वी यादव ने 5 पुल के गिरने की तस्वीर भी साझा की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि कहां किस तरीके से पुल गिरे। डेट के साथ उन्होंने तस्वीरें साझा की है, जिसमें पहला मधुबनी का नाम है, 28 जून मधुबनी और उसके साथ तस्वीर शेयर की गई है। वहीं 27 जून किशनगंज, 23 जून मोतिहारी, 22 जून सिवान, 18 जून अररिया। आपको बता दें कि अररिया के बाद सिवान, सिवान के बाद मोतिहारी और मोतिहारी के बाद किशनगंज और किशनगंज के बाद मधुबनी में पुल गिरने का मामला सामने आया है। बता दें कि किशनगंज में अभी हाल ही में पुल गिरा, जहां कहा जा रहा था कि बरसात का पानी और उसके दबाव के कारण पुल गिर गया है। पुल गिरने से बिहार सरकार की काफी किरकिरी हो रही थी। इसी बीच अब तेजस्वी यादव का तंज भरा ये पोस्ट सामने आया है, जहां तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए बिहार में डबल इंजन की सरकार पर निशाना साधा। बता दें कि बिहार में अब तक 4 जिलों के निर्माणाधीन पुल ढहकर गिरे हैं। वहीं मधुबनी में नदी का जलस्तर बढ़ने से पुल का गर्डर गिर गया। 9 दिनों के अंदर प्रदेश में अब तक ये तमाम पुल गिरने की घटना सामने आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।